नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट तीन मेरी शिक्षा, ठीक है। पार्ट तीन जब मेरी शिक्षा, आज हम इसमें वीडियो में पूरा लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको अपनी बुक में पढ़ना है, देखना है और समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पांचवे या छठे बरस में मेरा अक्षराभ कराया गया था। इसका मतलब हुआ पांचवे या छठे वर्ष में मेरा अक्षराभ का मतलब होता है पढ़ने की शुरुआत कराई गई थी, ठीक है। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षराभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन अक्षराभ हुआ मौलवी साहब आए, ठीक है, मिठाई बांटी गई, हम तीन विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए, ठीक है, सुपुर्द मीन्स सौंपे गए, ठीक है। एक मैं और दूसरे दो और अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई, अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे, ठीक है। सबसे बड़े कौन था? यमुना प्रसाद जी। वे हमारे लीडर थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चाचा जो मेरे भी चाचा थे, बहुत मजाक पर करते थे वो, ठीक है। वह मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वह घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेर चलाना जानते थे, फारसी भी पढ़ते थे और शतरंज भी बहुत खेलते थे, ठीक है। क्या क्या करते थे आपने सुना ध्यान से? वह मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, ठीक है, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वह घुड़सवारी करते थे, बंदूक और गुलेर चलाना भी जानते थे, ठीक है, और फारसी भी पढ़ना और शतरंज खेलना भी खूब जानते थे, बहुत अच्छे से उनको आता था ये सारी चीज़ें, ठीक है। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए, ठीक है, बड़े विचित्र आदमी थे, उनका बहुत सी बातों पर दावा था। बलदेव चाचा के मजाक के लिए वह एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए, ठीक है। चाचा तरह तरह की बातें मौलवी को सुनाते और उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वह भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो जानते या करते हैं, ठीक है। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं, ठीक है। मौलवी साहब का यह दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। बलदेव चाचा उन्हें शतरंज खेलाते पर वे कभी ना जीतते। बलदेव चाचा उन्हें हमेशा शतरंज खिलाते पर वे कभी ना जीतते, ठीक है। हम बच्चे इस मजाक को कौतूहल से सुनते, ठीक है। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम, ठीक है, इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए, दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी, तब गिनती सिखाते थे, ठीक है। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे, ठीक है, सामने आंगन में तखत पोस्ट पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले का पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता था। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतना ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था, ठीक है। तब सूर्योदय हो जाता, हम अपना मुँह हाथ धुल लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते। प्रायः 1/2 घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते, किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी होती, ठीक है, तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर भी तख्त पोस्ट पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते,
दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उनको और उसको याद कर करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती थी। ठीक है, शाम को जल्द नींद आती, डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख ना लें, ठीक है, नहीं तो मार पड़ती थी। जल्दी छुट्टी के दो उपाय थे, खेल कूद में जमना, भाई लीडर थे। ठीक है, जल्दी छुट्टी के दो उपाय थे, खेल कूद में जमना, भाई लीडर थे, जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते थे। पढ़ने के लिए तेल या दिया जलाया जाता था। जमना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और छिपाकर उसे दिए में रख देते, वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्द बुझने पर आ जाता। ठीक है, मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला, ठीक है, और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते थे। ठीक है, और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ उन्हें उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को हम लोग को भी बहुत दुख हुआ। ठीक है बच्चों, ये हमारा हमने पाठ पढ़ा हुआ है मेरी शिक्षा का। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इसके आपको अभ्यास करवाऊंगा। ठीक है, इसका जो पूरा एक्सरसाइज दिया गया है मैं उसको वो करवाऊंगा। तब तक इस लेसन को आप एक बार और पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।